हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सपोनेंट पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो इस चैप्टर में हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखना है, और कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम ध्यान में रखते हुए चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले पे आते हैं। छोटी क्लासेस के लिए इसमें बस दो तीन फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसा पहला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप नोट डाउन करते रहिए साथ में। फिर आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज देन ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला बने कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। कई लोग आपको फॉर्मूले लिखवा देते हैं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये, ए स्क्वायर माइनस बी का, होता कैसे है। आइए अब हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला जनरेट हुआ है। तो सबसे पहले हम बताते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में। ये होती है पावर। क्या होती है इसे कहते हैं हम पावर। पावर मीन्स यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये दो टाइम्स है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा होता ए प्लस बी का क्यूब, यानी इसे हम कितनी बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो क्या बन गया क्यूबिक। स्क्वायर मतलब दो टाइम्स और क्यूबिक मतलब तीन टाइम्स। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया है अभी हमारे सामने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स हम इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, दो बार, ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ए ए प्लस बी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो, फिर प्लस बी ए प्लस बी, फिर ये क्या हो गया, ए को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, दो ए यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, फिर बी को बी से बी स्क्वायर। स्क्वायर वाले हम आगे रख लेते हैं पावर, पावर वाले, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितने ए बी हो गए, एक ए बी दो ए बी प्लस 2ab। यानी हमने जब ए प्लस बी का स्क्वायर को फॉर्मूले को हमने ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आउटपुट आया सामने निकल के, ये आउटपुट आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से हम a माइनस बी के बारे में भी कर लेते हैं। क्या था हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। अब देखते हैं, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। इस a को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं जैसे a a माइनस बी, फिर माइनस बी ए माइनस बी, ए को ए से मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस, गलती से माइनस मत कर देना, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का साइन बड़ी डिजिट का, तो कितने हो गए, हो गए 2ab माइनस 2ab। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ से वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है क्या है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। यानी इसको हम वेरीफाई करते हैं, कैसे। अब मान लीजिए a माइनस बी है को हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा a प्लस बी, फिर माइनस बी को a प्लस बी से, a इंटू ए ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी फिर माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो क्या यहाँ से ये प्लस ए बी माइनस ए बी कट, बचा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेंस वेरीफाई। तो आपने देखा ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, सिलेबस के लिए।
तो कितने आसानी तरीके से हमने एक्सपोनेंट्स पावर के फॉर्मूले को याद कर लिया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आसानी से फॉर्मूले भी याद दिला देता है और इसमें हम पावर के बारे में भी जाने कि क्या होते हैं पावर्स। ठीक है, पावर मतलब क्या, ए स्क्वायर मीन्स ए टू टाइम्स, चाहे बी हो तो बी टू टाइम्स, ए की पावर थ्री ए थ्री टाइम्स, ए की पावर सिक्स हो तो ए दो तीन चार पांच और छ, ये 6 टाइम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और इसके साथ ही हम आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको किस पे करना है, 9811672179 पे आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं फॉर लाइव क्लासेस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इसी तरीके से हम छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।